Sir, God will explain why that was. जी फरमाइए. The see through petition had actually been filed when election commission was trying to remove the chairman Imran Khan from the position of chairmanship of the PTI and they were making their excuse. आप देखिए ना, अब आपने आगाजी बात का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से किया है. नो योर ऑनर, आप हमें सिर्फ ये बता दें जी कि वो जो पिटिशन आपने जो फाइल की थी वो क्यों पेंड हो गई, उसको आपका क्या बना, आपने उसको जिंदा क्यों रखा है. योर ऑनर, वो उसके साथ क्लब है, वो सेम पिटिशन है, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है क्योंकि इसमें चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए वो उसके साथ हमने क्लब करवाया. लीगल इशू पे, लीगल इशूज पे. यस 32 है. यस योर ऑनर. खान साहब मुझे बात समझ नहीं है, आप मुझे समझा दें. खान साहब आई हैव नॉट अंडरस्टूड, जरा मुझे नहीं, जरा समझा देना बात. मैं जरा एक बात की जाए, हमने वो पिटीशन उसके साथ इसलिए क्लब करवाया कि जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने दी थी. पहले बताया 332 है क्या. 332 वो पिटीशन है जिसमें हमने चेयरमैन पीटीआई के रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप के केस के सिलसिले में जो नोटिस आया था उनको, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया था इमरान खान को. यस, तो उसका तो इससे इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है ना. योर ऑनर, डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रहे थे कि हम क्यों ना आपको रिमूव करें फ्रॉम चेयरमैनशिप. वो तो हम बात समझ गए, वो केस ऑर्डर है ना. यस योर ऑनर, इससे तो कोई ताल्लुक नहीं. इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप. योर ऑनर, ताल्लुक है. वो डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बना के चेयरमैनशिप से हटाना चाह रहे थे. इसमें जब नोटिस आया कि आपके इलेक्शन नहीं हुए तो उसमें उन्होंने वो फैक्ट्स का जिक्र किया, लीगली इनकरेक्ट कराया. तो जब कोर्ट में चला गया, कोर्ट में पढ़ा गया, तो उन्होंने कहा सेम इश्यूज इन्वॉल्व है, लिहाजा लीगल साइड पे उसके साथ क्लब कर देते हैं. अदरवाइज वो इनफ्रैक्चर हो चुका है क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट किया टू द एक्सटर्न ऑफ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन. तो अच्छा एक सेकेंड, एक सवाल और उठेगा. जी जो एक मैटर, आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पाया कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं, आपका मौके होता है इलेक्शन सही हो गए, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन दोबारा, खुश हो जाएं, तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते हैं ना, फिर आप पिशावर क्यों चले गए. योरन, हमने इलेक्शन पिशावर में करवाए थे. इलेक्शन पेशावर में करवाए थे तो उससे तो कोई मेजॉरिटी अप्रीज है. मेजॉरिटी अप्रीज है. खान साहब जरा मुझे समझ नहीं, आप कानूनी, हम क्यों गए थे इस योराना फोरम शॉपिंग करने? नहीं गए थे इस्लामाबाद में, हमारी लीडरशिप आपने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इस्तेमाल किया. मैं ये योराना सिर्फ एक मिनट, आप देखिए ना, एक कोर्ट के पास एक लिस्ट पेंडिंग है, यह सुनाना इलेक्शन ही के मुताबिक है और ना सिर्फ आम बेंच है, मैंने 5 मेंबर बेंच आपकी बना ली है. जी, अब वो मैटर पेंडिंग होते हुए दूसरा हाईकोर्ट देख कैसे सकता है इस बात को, ये इसका जरा कानूनी जवाब दे. योर ऑनर, मैंने आरएस ये किया कि टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई जब हमने उसको इंप्लीमेंट किया. पर वही ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो वही इलेक्शन कमीशन का. योर ऑनर, वही ऑर्डर है, उसको जब हमने अमल कर लिया उस पर, जब हमने इंप्लीमेंट किया तो हमने इलेक्शन कराए पिशावर में. पिशावर में इलेक्शन ना इंफ्रक्चर समझ गया. ये मेरे हिसाब से आपकी बात लॉजिकल है, मगर इस ऑर्डर में आपके वकील ने कहा कि नहीं इंफ्रक्चर हुई है. यू आर नॉट लीगल साइड पे इंफ्रक्चर. दोबारा पढ़ते हैं ऑर्डर. सैयद अली जफर एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर सबमिट दैट सिंस सिमिलर क्वेश्चन इज ऑलरेडी सब जुडिस बिफोर द लर्नेड फुल बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन WP नंबर 332 एंड अदर अलाइड मैटर्स प्रोप्राइटरी डिमांड दैट इंस्टेंट पिटिशन बी आल्सो रेफर टू द लर्नेड फुल बेंच. High court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your Honor, yes, to the extent of a holding of intra-parties election. That is correct. Yes. According to legal situation, it has become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections. But since the questions were involved, the divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, the legal questions involved in the petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that is being clubbed and referred to the full court. We held the election, they were full, the election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to Islamabad. Aapke apne election commissioner ne kaha they were not held in Peshawar, they were held in some place called Chamkani. Your Honor, humne arrangement karwaye the, इनको सिक्योरिटी मांगी, हमने पिशावर. जी योर ऑनर, जी आर यू आर्ग्यूइंग एज पार्टी एज काउंसिल व्हाट? योर ऑनर, जो आपकी असिस्टेंस हो सकती है मैं उसका जवाब. हम तो सीनियर काउंसिल से जी लेना चाह रहे हैं. वी हैव नोटेड ऑल द क्वेश्चन. मैं सिर्फ देखिए लाइटिंग. खान साहब देखिए, लेट्स गो बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ.
जी, हम अभी उस पर नहीं आए कि आपने सही किया गलत किया, इन्होंने सही किया गलत किया जी। आप इन इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, सही किया गलत किया वो भी हम नहीं देख रहे हैं। वो ऑर्डर को आपने जाके लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जहां से एक पहले से पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी, आपने कहा इस पिटीशन को उसको साथ लगा लें चले, ये भी ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट पे लार्जर बेंच बना दे, उन्हें 5 मेंबर बेंच बना दी, फिर अली जफर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा जी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अब तो आपने इलेक्शन कर लिए तो अब आपकी पिटीशन इसको खत्म कर दें। उन्होंने कहा नहीं, इसको आप रखिए सब जूडिस विद फुल बेंच, अब ये मैटर इलेक्शन का मैटर है, चलें। अब या तो आप इंतजार करते कि हाई कोर्ट, या तो आप इसको वापस ले लेते, वो आप नहीं कर रहे हैं। इंफ्रक्चर्स खुद से नहीं होती ना, कोई आएगा कहेगा फिर ऑर्डर उस पर पास करेगा जज, इंफ्रक्चर्स हो गई ये वापस हो रही है, जो भी आप कहना चाहें। उस पिटीशन को आप जिंदा रख रहे हैं, आप जाके इशार एक और कैसे पहुंच गए ये मुझे समझ नहीं। देखिए ये तो सब्सिक्वेंटली जब इलेक्शन हो गए और उसको इलेक्शन कमीशन ने नल वॉइड डिक्लेयर किया, फिर हम पिशावर हाईकोर्ट गए। तो लाहौर हाईकोर्ट क्यों नहीं पसंद आया? नहीं, लाहौर इसकी वजह आपको वही, आप एक कोर्ट जाते हैं फिर दूसरे जाते हैं, अब वो मतलब ये नहीं सर, उसका वजह है, उसकी वजह ये, जब हमने इलेक्शन कराए हमें कहीं और सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही थी, सिर्फ पिशावर में हमें सिक्योरिटी फ्राहम की गई। आप मांग लेते ना कोर्ट से बात कि मुझे सिक्योरिटी नहीं जा रही है, हम अगर हाईकोर्ट नहीं देती हम आपको इतनी, हाँ ये बताएं, ये ना बताएं, सब मुश्किल सवाल आप इन पे छोड़ देते हैं सिक्योरिटी का योराना, ये मुश्किल सवाल हम हमेशा सीनियर काउंसिल से पूछते हैं। ये राइटिंग में जो आप सारे बिल्कुल देंगे राइटिंग में आपके सामने, मगर देखिए ना फिर मसला ये है ना कि ये एक आम केस होता है ना, ये है टाइम रिलेटेड केस, ये आपको सिंबल नहीं दे रहे हैं, आपको एक सिंबल चाहिए, तो हम तो चाह रहे हैं कि अगर आपका सिंबल बनता है आपको फौरन मिल जाए, तो हम आमतौर पे तो आपको बहुत टाइम दे देते, मगर इसमें फिर आपको सिंबल नहीं मिलेगा, हम ये नहीं चाह रहे, इसीलिए हमने कहा आप जब चाहें हम सुनने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी मैंने अपने कोलीग्स को कहा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है इसको पहले कर लेते हैं, तो ये हमें जब तक ये इस पर, अब देखिए वही सारे लोग हैं, सैयद अली जफर साहब भी वहां मौजूद हैं, वो भी नहीं बता रहे हमें कि क्या बना उस केस का, ये तो नहीं कि दूसरे काउंसिल हैं, वही काउंसिल है ना सारे पेंडिंग सबमिट इन द मॉर्निंग सर, हम अभी चले, मगर ये देखिए अब आप गौर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं नहीं करना चाह रहा था, फोरम शॉपिंग, जो कोर्ट्स जनरली फ्राउन अपॉन, तो यहाँ से रिलीफ नहीं मिली तो जाके वहां फाइल करो, वहां से नहीं मिली तो दूसरे हाईकोर्ट में चले जाओ, तो फिर ये फिर सिस्टम को खराब करता है। तो देखिए अब आपने एक आपने ठीक है लाहौर चले गए फाइन, तो फिर वहीं रहिए ना लाहौर में, फिर आप क्यों जा रहे हैं पिशावर, या फिर आप जाइए जहाँ के इलेक्शन कमीशन मौजूद है जो कि इस्लामाबाद है। देखिए अब आप कहें जी मैं इलेक्शन करता हूं जाकर फलां जगह, मैं इसकी पिटीशन करूंगा, आप अपना कॉज ऑफ एक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, कॉज ऑफ एक्शन इज क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि मैं ये काम करूंगा तो मैंने जो काम किया तो सड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जनाब, अच्छी तरह जानते हैं भाई, आपसे आप जो भी बात पूरी चलो, हाँ आपके सामने पेंडिंग है केस जिसमें हमें हमने अर्ज किया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे, हमें हरेस किया जा रहा है, हमें कहीं सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, हमारे लोगों को अंदर किया जा रहा है, ये सारी बातें कही हमारे साथ जो हो रहा है इन दीज सर्कमस्टांसेस में, ना इस्लामाबाद में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी ना लाहौर में जहां हम इलेक्शन करा सकते, सो पार्टी ने डिसाइड किया कि द ओनली प्लेस वेयर सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड इज इन पिशावर, एंड देयरफॉर वी हेल्ड द इलेक्शन इन पिशावर, व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड इन पिशावर टेरिटोरियली इट वॉज ओनली राइट एंड प्रॉपर टू फाइल इट बिफोर द पिशावर हाईकोर्ट, सो सी दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ ए केस। देखिए खान साहब जी।